मुसलमान, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मुसलमान अगर खड़ा होकर कहीं कुछ बोलेगा ना, किसी बात पे थोड़ी सी धर्म संसद हुई, किसी के ऊपर FIR हुई, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो हिंदू है। अगर मैं एक मुसलमान ऐसी बात करूंगा तो मेरे ऊपर UPA लगेगा और मैं जेल के पीछे 2-3 साल रहूंगा। क्यों नहीं? विश्वास है क्या? क्यों नहीं है? तू कैसे भगवादारी मन से कह रहा है कि कत्लेआम कर दो और 20 लाख मुसलमानों को? वो उनका विचार हो। जैसे CAA NRC के मुद्दे पे हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, सोशल दलितों की बात कर रहे थे, तो मेरे ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हुआ। रुकिए, मेरे ऊपर हालांकि कुछ बच्चे अभी भी जेल में, हमारी माओ बहनों को मारा तक गया, तब भी अगर हम खड़े होकर ये चीज बोले, अगर ये बोले कि ये गलत है तो हमें भी मारा। बोलती है प्रज्ञा साध्वी, बोलती है तो उनके ऊपर UPA क्यों नहीं लगता है? हर मुद्दे पर फेल है। टेनी को अगर ये गिरफ्तार करते तो मैं समझता कि ये दूध के धोए हैं भाजपा के। युवा को रहने दीजिए, बाकी सब लोगों से बात करते हैं। रात भर स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बहुत मुश्किल से ठंड में पहुंचते हैं, उसके बाद सुबह पता चले कि परीक्षा ली। 4 साल में 9 बार पर्चा लीक। गंगा के नीचे जाके आप देखिएगा फोटो, कितनी लाशें पड़ी थी। कोरोना का भी अनियारत नहीं हो रही, लेकिन गाइडलाइन ये आ गई कि 11 से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और ये BJP के हैं और सबसे यहाँ पे कलफदार कुर्ता पजामा, सफेद झक जूता जिसमें अभी कोई धूल भी नहीं लगा है, और ये एकदम चकाचक, क्या बोलते हैं इसको, जैकेट सदरी चकाचक, और ये छोटा सा तौलिया और चकाचक मास्क। सत्ता में तभी तो सर। सत्ता में नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी मेहनत की, अपनी मेहनत की कमाई है। कि सबसे को बोलने का मौका दिया, BJP वाले को नहीं दिया। ये आपके समर्थक हमारा बड़ा पीछा करते हैं जी। तो आप बताइए, अब आप आजमगढ़ में आपके लिए क्या माहौल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास पे राजनीति, विकास पे अपना वोट मांगेगी और विकास ही उसका एजेंडा है। बीच में घुस जाता हूँ, विकास है मैं आपको बता दूँ, मेरी बात सुन लें कि आजमगढ़ में हमारी केवल एक सीट है। एक सीट होने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने देखी रहे, पूरा हब बना हुआ है यहाँ पे, सड़कों का जाल बिछा है। दूसरा यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय लोगों के सरकारों में, पूर्व सरकारों में कोई नहीं किया था, जिसको योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने पूरा करने का काम किया। तीसरा मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी एक दिन योगी जी अपने घर में नहीं बैठे, अपने कार्यालय से लगातार मीटिंग करते। मेरी बात सुन ले भाई साहब, सुन ले मेरी बात, मैं भी तो वही बता रहा हूँ। ऑक्सीजन लोगों ने प्रोवाइड किया है, हम लोग खुद अपने जिले में, भाषण दे दिया, आप इनको बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप क्यों घुस रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि लगातार मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमित होने के बाद जैसे ठीक हुए, पूरे प्रदेशों का दौरा करके वहाँ पे कोरोना वॉरियर्स का और वहाँ पे सारे लोगों का हालचाल जाना, और वहाँ पे जहाँ पे कोई जाने से ठहराता था वहाँ अस्पतालों में जा जा करके सब मरीजों की हालचाल लिए। सब मरीजों की हालचाल लेने के बाद पूरा मैंने उसमें, और आपको बता दूँ, इस कोरोना में कोई हमारा जनता भूखों न सोए, इसके लिए पूर्णतः पूरा राशन, मुक्त राशन देने का काम अगर किसी ने किया है तो ये योगी आदित्यनाथ जी सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी। कोई भैया कोई ऐसा नहीं, राशन लेके ऐसा नहीं किया, हर गवर्नमेंट में राशन मिलता है और मिलेगा। आप बोल लीजिए तो मैं बोलूंगा। हर गवर्नमेंट में मिलता था। लैपटॉप पे अखिलेश जी की फोटो आई तो बहुत विरोध हुआ, नमक के पैकेट पे योगी जी का फोटो है, नमक के झोला पे आ रहा, उसके लिए क्या कहेंगे बताओ? आप विकास की बात किए, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात किए, वो सपा की दी हुई है। अरे तो ये भी तो मायावती की दी हुई है, जिसको आप लोग बनाते हैं, ये तो उसको मायावती ने दिया था, मायावती ने रखा था। आप गलत क्यों बता रहे हैं? आप सही विकास बताइए। आजमगढ़ में अगर BJP का कोच, अरे सबसे बड़ा वायरस को ही अगर मिला, की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। युवा आ जाओ, अगर कोरोना वायरस की आप बात किए तो UP के लिए सबसे बड़ा वायरस को ही है तो योगी जी है, और ये कहते हैं UP प्लस योगी, हम कहते हैं उपहार, UP प्लस हार। BJP की हार संभव है और एकदम तय है, और युवा जवाब देंगे,
जो विकास ये कर रहे हैं तो कुछ नहीं, सब जुमला है, सब जुमला है। भाजपा वाली बात नहीं, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ तक बात हो रही कोरोना की, कोरोना में सरकार यह कहती मरने वालों की संख्या कुछ नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं घटा है, हम कैसे मान लें कि कोरोना काल में उन्होंने कोरोना को माना है? विकास के नाम पर न तो कोई सरकार चुनाव लड़ रही है, न तो कोई आदेश बात कर रही है, सारे लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। कहीं मुद्दा अगर कोई बता दे कि हाँ, या अगर महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, रोजगार के चुनाव पर लड़ रहे हैं, या शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पर लड़ रहे हैं, तो मैं कहूँ सबसे बड़ी बात तो यह है, भाई साहब ने बताया गुरु जी ने कि हाईवे बना है, नारियल के पटकने से सड़कें धस जा रही है, यह है हाईवे। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम सरकार से उम्मीद रखें, कैसे उम्मीद रखें कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है? इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं, पत्रु राम विश्वकर्मा मेरा नाम, होम्योपैथिक विभाग में 2018 में नियुक्तियां निकली थी, लगभग हजारों नियुक्तियां मैंने संविदा के रद्द कराया है, उसके बाद भी सरकार उन लोगों पर, भ्रष्टाचारियों पर, नियुक्तिकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज नहीं करा रही। माननीय लोकायुक्त में मामला अभी लंबित भी है, अभी यही सीआरओ साहब है, एक आरटीआई पर इन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया सीआरओ साहब कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। ऐसे ऐसे हमारे जिले में पीसीएस अधिकारी है, ऐसे ऐसे अधिकारी पड़े हैं जो आरटीआई एक्टिविस्टों को धमका करके जो है कि सूचना नहीं देना चाहते। समझ गया मैं आपकी बात, ये कलेक्ट्रेट मायावती के समय बना है, नहीं सपा की सरकार बना। आजमगढ़ में जो किया है सपा ने किया है, कलेक्ट्रेट तो अंग्रेजों ने बनाया था, जब खराब हुआ तो फिर से बन गया है, फिर से ये अखिलेश की सरकार में बना है, अखिलेश की सरकार में। आप युवा हो, जरा दो तीन युवा भी आगे आ जाइए, दो तीन चार युवा आगे आ जाइए, बात सुनिए, आप नेताजी जाइएगा, नहीं अभी रहिए, अभी ये भाजपा वाले ना रोजगार पे बात करते हैं, ना यही रहिएगा, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, सारी परीक्षाएं लीक हो रही है, इनसे भी पूछ लिया जाए कि परीक्षाएं किस क्यों लीक हो रही हैं, ये इनके पास जवाब नहीं है। 22 में अखिलेश यादव आएंगे, युवाओं का रोजगार जो है पूरा तरीके से, शिक्षा के मामले में भाजपा फेल है, भाजपा शिक्षा का मामला एकदम जीरो कर दी है। अच्छा ये बताइए, अब एक मिनट रुकिए, जरा इधर आइए, थोड़ा दूरी बनाइए, एक घेरा को बड़ा करिए, इधर ऐसे ऐसे ही रहिए, रोशनी इधर है, जरा कैमरा मैन इधर आइए, सामने आइए, जरा इधर सामने छोड़िए, आप इधर आइए, इधर आइए, युवा इधर आइए, थोड़ा सामने छोड़िए इधर रोशनी के लिए, युवा जो बात कर इधर आ जाओ, फ्रेम कौन बोल रहा था, जैसे युवा, तीन चार युवा आ गया, तीन चार युवा को रहने दीजिए आगे, अब बाकी सब लोगों से बात करते हैं। अब जैसे ये रोजगार और परीक्षाओं का जो पर्चा लीक हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं भाई, 4.5-5 साल में 5 प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चा लीक हो गए, टीईटी का तो अभी वो 19 लाख स्टूडेंट जब पहुंचे परीक्षा सेंटर पर पता चला कि पर्चा लीक हो गया, 5-5, 4-4 लाख में खरीदा जा रहा है, रोजगार का बहुत सवाल है, ये कुछ पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं इनसे, पूछो सीधा। हम आजमगढ़ से बनारस जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं, रात भर स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बहुत मुश्किल से ठंड में पहुंचते हैं, उसके बाद सुबह पता चले कि परीक्षा लीक हो गई, तो उसके बहुत कष्ट होता है। और इनसे पूछा जाए भाजपा वालों से कि ये शिक्षा के मामले में भर्ती कितने निकाले हैं, पूरे नौजवान जो है रोड पे सुबह सुबह आपको दौड़ते हुए दिखेंगे, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि क्या स्थिति है शिक्षा की, भर्ती की, अगर ये दे दें तो फिर सपा के मामले में पीछे रहेंगे। अखिलेश जो ऐसे हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे जो युवाओं को समझते थे, ये बिना पढ़े लिखे वाले बाबा कुछ नहीं समझेंगे युवाओं को। अब जरा इनसे पूछ लेते हैं, मैंने एक चीज कहा है, आपके इलाके का बच्चा, मैं आपको बता दूं कि जितनी मैंने भर्तियां इन लोगों ने रोक के रखा था, जितना उसको पूरा क्रियान्वयन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दूसरा मैं आपको बता दूं, बाबू बोल रहे हैं कि भर्ती नहीं हुई, भर्ती जितना लोग हुए हैं अभी तो आप बोले होते तो मैं आंकड़ा लेके आता, कितने लोगों का आंकड़ा मैं बता देता हूँ, अखबार के विज्ञापन में छपता है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी विज्ञापन में छपता रहता है। हाँ, ये आंकड़ा तो आपको होना चाहिए, लेकिन वो नियुक्तियाँ कितनी हो गई? हाँ, मैं आपको दूसरा मैं बता दूँ, आपने बताया है जैसे ही पता लगा योगी जी को कि पर्चा आउट हुआ है, आज आप देख लीजिए पूर्व सरकारों में ये लोगों को या वो भगत की जा रही थी जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, हमारे यहाँ जेल में है, दूसरा जेल में है, और ये इनको पता होना चाहिए कि घर तक आने के लिए इनको पूरा फ्री व्यवस्था कराई गई, और पुनः वो मैंने भाईजान 9 बार पर्चा क्यों लीक हो जाएगा, 4.5 साल में 9 बार पर्चा लीक क्यों हो जाएगा, आखिर सिस्टम गलत है ना, सिस्टम गलत था, इसको ठीक करने का काम 5 साल में पैदा हुआ बच्चा, क्या 5 साल में वो कर देगा, दिया गया था 500,000 रुपए जो फॉर्म भरने का दिया जाता है
वो कहाँ जाता है पैसा? 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और सारे लोगों की परीक्षा रद्द हो गई, इसके बाद बात सरकार पे किसी पे बात नहीं होती है। मैं यहाँ शिबली कॉलेज का मौजूदा सदर हूँ, 3 साल से मैं शिबली कॉलेज का सदर हूँ, लेकिन न पढ़ाई पे आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ, न कोई काम हुई, न भर्ती हुई जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। हालांकि हम लोग भी नेतागिरी करते हैं, लेकिन ये समझ में आ गया नेतागिरी चोरों और डकैतों का काम है, इसलिए हम लोग नेतागिरी छोड़ दिए, हम लोग तालीम की तरफ जाने लगे। आप लोग दवाई पे बात करिए, दवाई पे ढिलाई पे बात करिए, ये मत कहिए कि उन्होंने फ्री में बात की है। 500 रुपए जो कमाता उससे पूछिए, ठेला खींच के उसके बाप पैसा कमाते हैं, माँ जाके घर में रसोई से उससे पैसा कमाती है। 2000 किलोमीटर, अरे 2000-4000 किलोमीटर क्या उसे? अब गंगा के नीचे जाके आप देखिएगा फोटो, कितनी लाशें पड़ी थी, कोरोना का भी तत्काल बात की बात करते वापस होगा जो कोई गाड़ी नहीं कर पाए। जब लोग पैदल चल के आ रहे थे तब गवर्नमेंट कहाँ थी? तब उनके पास कोई बस नहीं थी और लाठियां दौड़ा दौड़ा मारी जा रही थी। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है सर। दूर रह के बात करो, दूर रह के रैली बड़ा दौड़ रही है, बड़ा दूर रह के। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, युवा एकदम जोश में है, बेरोजगारी मुद्दा है। अगर हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? 22 इलेक्शन है, हमारे पास मौका है, हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव इंशाल्लाह होगा। रैली रद्द नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। रैलियाँ रद्द नहीं हो रही है, पीछे रखे बात, रैलियाँ रद्द नहीं हो रही, लेकिन गाइडलाइन ये आ गई कि 11 से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और शादी में 200 लोग जाएंगे, रैली में 5 लाख लोग आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे, तब कोरोना ओमिक्रॉन नहीं फंसेगा फैलेगा। और बात, अरे बाबा जो है अगर विकास का काम करते, लोग साथ देते और कोई भी आवे, कोई भी सरकार आवे, काम करे, हम उसके साथ डंके की चोट पे खड़े रहेंगे। अगर हम मुसलमान, मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मुसलमान अगर खड़ा होकर कहीं कुछ बोलेगा ना, किसी बात पे थोड़ी सी धर्म संसद हुई, किसी के ऊपर FIR हुई, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो हिंदू हैं। अगर मैं एक मुसलमान ऐसी बात करूंगा तो मेरे ऊपर UPA लगेगा और मैं जेल के पीछे 2-3 साल रहूंगा। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, एक नजरिए से देखिए, एक हिंदुस्तान की तरीके से हिंदुस्तानी मुझको देखिए। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक भाई आजमगढ़ में मौलाना ताहिर मदनी साहब 4 महीने जेल में रहे और ये हमारे साथ के युवा, हमको भी लगाया गया लेकिन हमें नजरबंद किया गया, उनको 17-17 दिन जेल में डाला जाता है। कैसी आप बात करते हैं? CNRC इतनी बड़ी वो ला के पूरे उसके मुल्क को कर दिया जाता है। सवाल पूछते हैं, देखिए एक मिनट थोड़ा पीछे हट के बात करिए। अब जैसे ये युवा एक बात बोला, एक मिनट थोड़ा पीछे रहिए, बेरोजगारी और उसके सवाल के साथ एक मिनट, एक बात जो ये बोला, आप BJP के नेता हैं, एक तरफ ये कुछ युवा और कुछ और लोग हैं, एक बात तो इसने बोली कि जैसे हरिद्वार में, एक मिनट रुकिए, हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसमें दर्जनों महंत महामंडलेश्वर भगवाधारी मन से कहते रहे कि मुसलमानों को काट देना चाहिए, 20 लाख मुसलमानों को काट दो, सैनिक बन जाओ, शस्त्र में जैते और न जाने क्या क्या कहा, और ऐसे भगवाधारियों ने महात्मा गांधी के लिए गालियाँ, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर सही बात है कि अगर मुसलमानों की कहीं ऐसे पंचायत हो जाए और इस तरह की बात हो जाए तो सब पर UAPA और सेडिशन लग जाएगा। वो सारे भगवाधारी रोज वीडियो वायरल कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये सबका साथ सबका विश्वास तो नहीं है नेताजी? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस विचार से मिलान नहीं करता कि उवैसी क्या बोल रहे हैं या कुछ साधु संत क्या बोल रहे हैं। उवैसी तो वही बोल रहे हैं, आप देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं इस पे विचार नहीं, मैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सबके साथ सबके विश्वास के साथ चलती है। मैं आपको बता दूं, सबके साथ सबके विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सुनने में अच्छा है, लेकिन उसमें मुस्लिम है क्या सबका विश्वास में? विकास नहीं बोल रहा हूँ, वो योजनाओं में आप देंगे, विश्वास है क्या? क्यों नहीं है तो कैसे भगवाधारी आप मन से कह रहा है कि कत्लेआम कर दो और 20 लाख मुसलमानों को? वो उनका विचार होगा, तो आप वो सरकार का प्रचार नहीं, नहीं, नहीं। मैं कहा क्या उवैसी की गिरफ्तारी कराऊं? उनके ऊपर FIR किया जाए, जिस तरीके से CAA NRC के मुद्दे पे हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, शोषित दलितों की बात कर रहे थे, तो मेरे ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हुआ। रुकिए, मेरे ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हुआ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ताहिर मदनी साहब को 19 लोगों को जेल में डाला गया, और पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये एक बच्चों को, गरीब बच्चों को 17 दिन 4-4 महीने, गरीब बच्चों को 17 दिन 4-4, जिनको ऐसे जेल में डालने के बाद ऐसी धाराएं लगी,
कि उनके माँ बाप का पसीना छूट गया उनको छुड़ाने में। हालांकि कुछ बच्चे अभी भी जेल में, हमारी माओ बहनों को मारा तक गया, तब भी अगर हम खड़े होकर ये चीज बोलें, अगर ये बोलें कि ये गलत है तो हमें भी मारा जाएगा। तो बस कहने का मतलब यही है, नजरिया एक होना चाहिए, संविधान सबके लिए एक है, चाहे वो कुछ भी हो। समझ गए आपकी बात, चलिए समझ गए। ये बताइए, वो जो जो लोग थे जो ऐसी बात कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन उनकी भी होनी चाहिए जो कार्यकर्ताओं पे गोली चलाई थी, उनकी नहीं होनी चाहिए? वो यहाँ पे सांसद गिरी और नेतागिरी करो, उनकी नहीं होनी चाहिए? उनका वो भगत होनी चाहिए जो कार्यकर्ताओं पे अयोध्या में गोली चलवाए थे, जो आज परमानेंट बोल रहे थे, वैसी उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? एक मिनट रुकिए, पहले ओवैसी ने जो बोला उसका आधा बयान काट के चलाया जा रहा है। उसमें उन्होंने बोला किसी मुस्लिम के साथ कुछ बदसलूकी थाने में की गई, उस संदर्भ में काट के चलाया जा रहा है। लेकिन अब हम बाबरी मस्जिद जाएंगे तो कहीं और जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जितने भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के अपमान, मैं आपको बता दूं, जितनी भी सरकार की योजना है, कहीं पे भेदभाव नहीं, कहीं पर भी भेदभाव नहीं है। जो हमारे हिंदू को मिला वही मुसलमान को मिला है, वही ईसाई को मिला है, हमारे यहाँ सारे लोग वही सब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जितना भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उस सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ कर रही है। और ये फालतू की बात है जो ये लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जब कोई भी अगर ऐसी कृत्य करेगा तो उसे जेल में डालना चाहिए, चाहे ओबीसी हो चाहे साधु संत हो। मैं इस पे एक मिनट का वो नहीं करता, लेकिन जेल में डाला नहीं जाता। क्यों नहीं डाला जाता? कहाँ डाला जाता? अरे साला 500 भगवाधारियों ने वहाँ क्या नहीं कहा? अरे सर आप कहाँ हैं? हम यही हैं। आपको सोचना चाहिए कि मच्छर और माफिया, सुनिए, मच्छर और माफिया दोनों समाप्त हुई है, ये आपको सोचना चाहिए। प्रज्ञा साध्वी बोलती है तो उनके ऊपर यूपीए क्यों नहीं लगता है? जो भी भड़काऊ बयान देते हैं, पीछे हटिए, एक मिनट करके थोड़ा पीछे। अभी तक गिरफ्तार किया गया टेनी को, अगर ईमानदार है भाजपा तो कल नहीं गिरफ्तार किया गया टेनी का लड़का। जब गिरफ्तार हो गया 302 में, तो अगर ऐसे बहुत ईमानदार है तो टेनी को गिरफ्तार करके दिखावे। भाजपा हर मुद्दे पर फेल है, हर जगह फेल है, भाजपा हर जगह फेल है, कहीं नहीं कर सकती है भाजपा हर मुद्दे पर फेल है। टेनी को अगर ये गिरफ्तार करते तो मैं समझता कि ये दूध के धोए हैं भाजपा के लोग, लेकिन आज तक टेनी को गिरफ्तार नहीं किए। अगर एक आम आदमी अगर किसी को धमकी दे और वो ये कह दे कि मैं बुलडोजर चला दूंगा, तो क्या अपराध नहीं है? क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं लगेगा? कैमरा के लिए आप बताएं, अगर हम किसी को धमकी दे कि आपका घर बुलडोजर गिरा देंगे, तो हमारे ऊपर अपराध नहीं है, मुकदमा नहीं होना चाहिए? लेकिन एक हमारा मुख्यमंत्री कहता है इस तरह से, उसके ऊपर क्या किया जाता है? और मुख्यमंत्री टेनी के बेटे के घर का बुलडोजर नहीं चलाता है? नहीं चलाएंगे ना, क्योंकि सारे टेनी के बेटे को एसआईटी ने माना कि सुनियोजित साजिश है, बाप आज भी मंत्री है, बेटा साजिश करे बाप को न पता हुई हो सकता है? कभी नहीं सर, यही तो बात है, यही तो बात है, ये उनके भाई है, सारे अपराधी बीजेपी में है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुनिए, अब मैं एक सेकंड दोबारा एक शो रिकॉर्ड करूंगा, एक मिनट रुकिए दोबारा करूंगा। दुआ एक बता दीजिए, हमारी कही बतिया सही होगी तो कुछ माल उल भी मिलेगा? अब चलिए एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा शुरू करता हूँ, थोड़ा हटिए, लेकिन दोबारा शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं एक शो फिर रिकॉर्ड करूंगा। हमारे बीच एक बीजेपी के नेता है, बहुत सारे लोग इनकी घेराबंदी कर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाथ उठा के जरा, ये बीजेपी समर्थक कितने लोग हैं? बीजेपी समर्थक कितने लोग हैं? बीजेपी समर्थक हाथ उठाए,
बीजेपी का सुपड़ा साफ, एक मिनट एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। एक मिनट, बीजेपी समर्थक एक कैमरा उठाओ और एक दो तीन चार पांच छह लोग बीजेपी समर्थक है और बाकी लोग अचानक, एक मिनट अचानक दो दो समर्थक आगे बढ़वा, कोई बात नहीं, अचानक शुरू कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इस वीडियो को दोबारा शुरू करूंगा, इस वीडियो को खत्म करता हूं और दोबारा एक बार ज्यादा से ज्यादा लोगों में बात करना शुरू करूंगा, बात करूंगा। और ये बीजेपी के क्या है, उपाध्यक्ष जी हैं, स्टूडेंट सब ने इनको घेर भी लिया थोड़ा, कोई घेरा नहीं है, सब हमारे भाई हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज हम यहाँ पे भाईचारे के, मैंने पहले कहा है आजमगढ़ के लीड होता है लेकिन चाहे हम लोग, सही बात है, आजमगढ़ के लीडराबाद से इस वीडियो को खत्म करता हूँ, एक और वीडियो देखेंगे, फिलहाल नमस्कार।